हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में राजकीय बांगड़ अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भी स्वाइन फ्लू के कारण एक डॉक्टर के चपेट में आने के बाद पूरा अस्पताल महकमा सकते में आ गया है। बांगड़ अस्पताल के प्रमुख अस्पताल अधिकारी के निर्देश पर अस्पताल परिसर में जितने भी डॉक्टर व मेडिकल कर्मचारियों के आवास है उनकी स्कैनिंग करते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी है। बांगड़ अस्पताल के सह आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने यह कदम उठाया है। खास बात यह है कि मेडिकल कॉलेज की तमाम सुविधा होने के बावजूद भी जिस तरह से अस्पताल परिसर में गंदगी पसरी है उसी के चलते यहाँ का एक डॉक्टर स्वाइन फ्लू की चपेट में आने की बात सामने आई है। अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यहाँ आने वाले सभी मरीजों की स्वाइन फ्लू की बीमारी को लेकर स्कैनिंग करना प्रारंभ कर दिया है। ज्ञात रहे कि पिछले एक महीने में जिले के अलग अलग स्थानों पर स्वाइन फ्लू के कारण 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू की बीमारी को लेकर एक डॉक्टर खुद इसकी जहद में आने के बाद पूरा बांगड़ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सकते में आ गए हैं। आज चप्पे चप्पे पर इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। एक मेडिकल की टीम गठित की गई है जो डॉक्टरों व यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनका सर्वे कर रही है, उसके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इसके अलावा मरीज जितने भी बांगड़ अस्पताल की ओपीडी में आने वाले हैं उसको भी लेकर एक स्कैनिंग टीम बनाई गई है। सभी डॉक्टरों ने मास्क लगा लिए हैं। जैसे ही यहाँ के HOD के स्वाइन फ्लू का संक्रमण पॉजिटिव आने के बाद ये सारे कदम उठाए गए हैं और उसको लेकर जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी मरीज इनकी स्कैनिंग से दूर नहीं रहे, इसको लेकर पूरा अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।